नमस्कार दोस्तों, विनम्रता। विनम्रता क्या है इसको समझने की जरूरत है। क्या हमारे विनम्र होने से हम अपने जीवन में आने वाले उन सभी कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो इसका आंसर है यस। अगर हम जितना ही विनम्र होंगे, विनम्रता से आप पत्थर दिल इंसान को भी पिघला सकते हैं। तो विनम्रता की जो बात है वो विनम्र कौन हो सकता है? अगर आप बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं, आज के युग के हिसाब से जो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है वो विनम्र होता नहीं है। और जो शक्तिशाली है और विनम्रता, ये मतलब ताकतवर होना और विनम्र होना, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। लेकिन अगर किसी ताकतवर, किसी शक्तिशाली मनुष्य में विनम्रता आ जाए तो उसे एक ऊंचाइयों पर ले जाता है। विनम्रता की इसी मोटिवेशनल कहानी के पीछे क्या चीजें हम बात करेंगे, हम रामायण के कुछ पात्रों को लेकर इस विनम्रता के बारे में बात करेंगे। मैं एक छोटी सी बात बताता हूं आपको कि एक बार, आप सबको मालूम भी होगा फिर भी मैं सुना रहा हूं, एक बार भीम महाभारत में जा रहे थे और हनुमान जी अपनी पूछ लंबी करके रास्ते में बैठे हुए थे। कुछ भीम और हनुमान जी में वार्तालाप हो जाती है। भीम अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं लेकिन हनुमान जी के पूंछ को हिला तक नहीं पाते। तब हनुमान जी ने कहा कि भीम, तुम अत्यंत बलशाली हो, अधिक बलशाली हो, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर विनम्रता हो जाए तो तुम एक अलग व्यक्तित्व को प्राप्त कर लोगे। तो पहले तो विनम्र होना सीखिए। विनम्रता हमें सीखनी किससे? स्वयं भगवान हनुमान जी से, बजरंग बली से, उस राम भक्त से विनम्रता सीखिए। मैं एक कथा बताता हूं कि जब सीता जी हमारी जो है उनका हरण हो गया, भगवान राम बहुत ज्यादा दुखी थे, वन वन उन्हें खोज रहे थे। सुग्रीव, जामवंत ये सारे लोग उन्हें मिल चुके थे, समुद्र के तट पर बैठे थे। तब ये सोचा जा रहा था कि इस समुद्र को लांघेगा कौन। जामवंत जी कहते हैं ये समुद्र तो बहुत बड़ा है और सीता जी समुद्र के उस पार हैं, उनका पता लगाने के लिए कौन जाएगा, इस समुद्र को लांघने की शक्ति किसमें है। जामवंत जी कहते हैं कि अगर मैं बूढ़ा ना हो गया होता तो यह काम मैं स्वयं करता। अंगद बैठे होते हैं, अंगद कहते हैं इस समुद्र को मैं पार तो कर जाऊंगा लेकिन लौट कर आने में संशय है। सोचिए, बहुत सारे वीर बैठे हुए हैं, जामवंत जी उनका नेतृत्व कर रहे हैं और कोई भी एक आदमी उसमें से, एक योद्धा इसमें से खड़ा होकर यह नहीं कह पा रहा है कि मैं इस समुद्र को लांग जाऊंगा और लांग कर वापस भी आऊंगा और माता सीता का पता भी लाऊंगा। हनुमान जी भी वहीं बैठे थे, चुपचाप बैठे सब सुन रहे थे। जामवंत जी की नजर पड़ती है हनुमान जी पे और जामवंत जी ने कहा हनुमान जी से, अरे वीर हनुमान, आप बैठे क्यों हो, आप क्यों नहीं बोल रहे हो, तुमसे ज्यादा शक्तिशाली, तुमसे ज्यादा बलशाली यहां कौन है, और तुम्हारा जन्म तो प्रभु की सेवा के लिए ही हुआ है, यहां बैठे लोगों में तुमसे अधिक बलशाली तो कोई है ही नहीं, और दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है, ऐसा कोई कार्य नहीं है जो तुम नहीं कर सकते। इतने में ही हनुमान जी क्या को बचपन में कुछ ऋषियों ने श्राप दे रखा था, कहा जाता है कि कुछ ऋषियों ने श्राप दे रखा था कि आपको अपनी शक्तियां याद नहीं रहेंगी। अब ये देखिए कि जिसके अंदर इतनी अपार शक्ति हो कि वो जग का कोई भी काम कर सकता है और उसको उसका अंदाजा भी नहीं है, यही विनम्रता है, उसको अपनी शक्तियों का अंदाजा भी नहीं। ज्ञान का भंडार है भगवान, ज्ञान का भंडार है बजरंगबली। और यहां पे जैसे ही वो जामवंत की बात सुनते हैं, जामवंत जी ने जैसे ही ये कहा कि आपका तो जन्म ही प्रभु की सेवा के लिए हुआ, हनुमान जी तुरंत खड़े होते हैं और एक विराट रूप को धारण करते हैं और बोलते हैं, जामवंत जी, हमारे लीडर, हमारे नेता जी, आप बताएं मुझे करना क्या है। अब सोचिए, जो सर्वज्ञानी है, जिसको सब पता है, ज्ञान का
भंडार है और वो जामवंत जी को बड़ा मानकर, श्रेष्ठ मानकर, वृद्ध मानकर, बुजुर्ग मानकर उनसे पूछता है कि प्रभु आप ही बताएं कि मुझे करना क्या है। ये विनम्रता है, इसे विनम्रता कहते हैं कि आप आदेश लेना चाहते हैं, आप आज्ञा लेना चाहते हैं अपने श्रेष्ठ का, जबकि आपको तो सब पता है कि आपको क्या करना है। उनसे ज्ञानी वहां बैठे योद्धाओं में कौन था? तो जामवन जी कहते हैं आपको ये समुद्र लांघ कर जाना है, माता सीता का पता लगाना है, उन्हें आश्वासन देना है कि हम लोग जल्द ही आएंगे, शीघ्र आएंगे, तो आप इस समुद्र को लांघ कर जाइए, माता सीता का पता लगाइए। हनुमान जी आशीर्वाद लेते हैं प्रभु से, श्री राम से, और अपने राजा सुग्रीव और जामवंत जी को प्रणाम कर समुद्र की ओर एक छलांग लगा देते हैं। वो छलांग इतने बल से लगाया गया, कहा जाता है कि जिस पर्वत से उन्होंने छलांग लगाया था वो पर्वत पाताल लोक में चला गया, इतने बल से हनुमान जी उड़े थे। तो आप सोचिए कि कितना बल था उनके पास। रास्ते में सुरसा राक्षसी उनको मिलती है और वो कहती है, हे बानर, मैं तुम्हें खाना चाहती हूं। हनुमान जी कहते हैं, माता आप मुझे खाना तो चाहती हैं लेकिन मैं, मेरे पास समय नहीं है। आपके पास तो समय है लेकिन मेरे पास समय नहीं है, मैं किसी कार्य के लिए जा रहा हूं और वो कार्य मुझे अतिशीघ्र पूरा करना है, मैं जब उधर से लौटूंगा तो आप मुझे खा लेना। सुरसा ने कहा कि नहीं नहीं, मुझे तो अभी खाना है, मैं तुम्हें अभी खाऊंगी, मुझे भूख लगी है। हनुमान जी कहते हैं, जैसी आज्ञा माता आपकी, खा लीजिए। देखिए विनम्रता कि हनुमान जी ने कहा कि खा लीजिए, ठीक है। सुरसा ने एक योजन का मुंह खोला, एक योजन यानी 8 मील होता है, सुरसा ने एक योजन का मुंह खोला, भगवान 2 योजन के हो गए। सुरसा ने 2 योजन का मुंह खोला, हनुमान जी 4 योजन के हो गए। सुरसा ने 4 योजन का मुंह खोला, हनुमान जी 8 योजन के हो गए। सुरसा ने 8 योजन का मुंह खोला, हनुमान जी 16 योजन के हो गए। सुरसा ने 16 योजन का मुंह खोला, हनुमान जी 32 योजन के हो गए। सुरसा ने 64 योजन का मुंह खोला। भगवान को लगा, हनुमान जी को लगा कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा ना, अब ऐसे काम नहीं चलेगा, अब मुझे बुद्धि का उपयोग करना है, और वो तुरंत छोटे हो गए, छोटा रूप ले लिया, सुरसा के मुंह में गए, घूमकर वापस आ गए और वापस आकर कहा, लो माता आपका अभिमान भी रह गया, मेरा स्वाभिमान भी रह गया, और अब मुझे अपने कार्य पे आगे बढ़ने दीजिए। अब यह प्रसंग क्या बताता है? यह प्रसंग यह बताता है कि जब आपको ताकत दिखानी है, जब भगवान हनुमान जी को ताकत दिखानी थी तो उन्होंने अपना रूप बड़ा करते गए, बड़ा करते गए, और जब बुद्धि दिखानी थी तो रूप छोटा कर दिया। तो जिसके पास बुद्धि विवेक होता है वो छोटा बनकर ही रहता है, छोटा बनकर ही रहता है, बड़े बनने की कोशिश नहीं करता, आप छोटे बने रहिए। और जिसके पास बुद्धि नहीं है, जो विवेकहीन है, वो अपने आप को हमेशा बड़ा दिखाना चाहता है। ये सीख दी हनुमान जी ने कि बुद्धि और विवेक है तो अपने आप को छोटा बनकर रहिए, छोटा बनकर दिखाइए। हनुमान जी आगे बढ़ते हैं, फिर से उन्हें एक राक्षसी मिलती है आगे। वो राक्षसी इतनी भयानक थी तो वो परछाई को ही पकड़ लेती थी। खैर, हनुमान जी का सामना उनसे भी हुआ, हनुमान जी ने उसे भी निपटाया, आगे बढ़े, समुद्र पार किया, लंका पहुंचे। अब लंका महल के द्वार पे लंकिनी खड़ी थी, उसने कहा कि कहां जा रहे हो बानर? हनुमान जी ने वेद मुक्का मारा और लंकिनी हो गई मूर्छित। जब मूर्छा से जागी तो उसने गेट खोल दिया। हनुमान जी ने कहा, अरे इतनी आसानी से तुमने गेट खोल दिया, तुम तो द्वारपाल हो। तो लंकिनी ने कहा कि ब्रह्मा जी ने जब रावण को यहां का राज दिया था और वरदान दिया था, तब जाते जाते मुझसे कह गए थे कि जब या जिस दिन कोई बानर यहां आए और उसके एक ही बार से तुम मूर्छित हो जाना, तब ये जान जाना कि रावण का अंत काल आ चुका है और जल्द ही रावण का अंत होने वाला है, इसलिए हे प्रभु मैंने द्वार खोल दिया है, आप जाइए,
आप प्रवेश करें। हनुमान जी प्रवेश कर जाते हैं और पहुंचते हैं उस वाटिका में जहां पे रावण ने माता सीता को कैद कर रखा था। जब वहां जाते हैं तो देखते हैं कि रावण भी वहीं उपस्थित है और रावण माता सीता को कुछ धमकियां दे रहा है। हनुमान जी वहीं पेड़ों पर चढ़ जाते हैं और पत्तों के बीच में छिप जाते हैं। रावण माता सीता से कह रहा था, हे सीते, तुम्हारे पास एक माह का समय है, मैं तुम्हें एक माह का समय देता हूं, मेरी रानी बन जाओ नहीं तो बहुत बुरा होगा। रावण ये धमकी देकर चला जाता है। तब हनुमान जी उस पेड़ से प्रभु की दी हुई एक अंगूठी, एक मुद्रिका वहां नीचे माता सीता के सामने गिरा देते हैं। माता सीता बड़ी अचंभित कि ये अंगूठी यहां कैसे आई, ये मुद्रिका तो मेरे स्वामी की है। थोड़ी देर में हनुमान जी भी जंप कर जाते हैं, नीचे कूद जाते हैं और माता के सामने आ जाते हैं। माता ने कहा, आप कौन हैं, अपना परिचय दीजिए। हनुमान जी ने कहा, राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की, यह मुद्रिका मातु मैं आनी, दीन्हा राम तुमह कहम सहिदानी। हे माता, मेरा परिचय बस इतना है कि मैं भगवान राम, प्रभु राम का दूत हूं, इतना ही मेरा परिचय है, इससे ज्यादा मेरा कोई परिचय नहीं है। और मैं उनकी उस करुणा निधान की शपथ खाकर कहता हूं। अब देखिए, हमारे जैसा आदमी होगा तो क्या कहेगा कि अरे माता, आप मुझे जानती नहीं है, मैं आया तो हूं भगवान राम के कहने से, लेकिन जान लीजिए कि हमसे ज्यादा बलशाली तो वहां कोई है ही नहीं, हम ही थे जो पार कर पाए हैं इस समुद्र को, बाकी कोई तो कर नहीं पाता। मैं बहुत शक्तिशाली हूं, बहुत शक्तिशाली हूं, यह मेरा परिचय है, मेरे शक्ति की कोई अंत ही नहीं है, यह मेरा परिचय है। तो हम आज अपने बखान में, कोई पूछ दे कि आप भाई यार बताइए अपने बारे में, अब हम अपनी बखान करने लगते हैं, झूठी बखान। एक साधारण मनुष्य का यह लक्षण है कि वो झूठी बखान करना शुरू कर देता है, मैं ऐसा हूं, मैं बहुत सुंदर हूं, मैं बहुत अच्छा हूं, मैं परम ज्ञानी हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं मेरे पास बहुत ताकत है, मैं ये करता हूं, मैं यो करता हूं, मैं वो करता हूं, मैं 50 काम करता हूं। झूठी प्रशंसा, झूठी व्याख्या अपनी करना शुरू कर देते हैं और अपने मुंहनिया मिट्ठू बनना शुरू कर देंगे। लेकिन हनुमान जी की विनम्रता देखिए कि हनुमान जी ने कहा कि माता, मैं प्रभु राम का दूत हूं और इससे ज्यादा मेरा कोई परिचय नहीं है, मैं उन्हीं की शपथ खाकर कहता हूं। तो माता ने कहा कि प्रभु को मेरे बारे में पता है और प्रभु अब तक चुप बैठे हैं, हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। जो रघुबीर होती सुधिपाई, करते नहीं विलंब रघुराई। अगर भगवान राम को यह पता है कि मैं यहां रावण के द्वारा हर कर लाई गई हूं और भगवान राम अब तक हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, ऐसा संभव नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। जब उन्होंने एक कौवे के चोंच मारने की, एक बार क्या हुआ कि इंद्र का बेटा जयंत अपने शक्तियों के अहंकार में इतना ज्यादा अहंकारित हो गया कि उसने भगवान राम की परीक्षा लेनी चाहिए और गया और माता के चरणों में चोंच मार के लहू निकाल दिया। प्रभु इसको देखकर बड़े क्रोधित हुए कि अरे बड़ा कौवाहटी है, बहुत दुष्ट है। प्रभु ने वही एक तिनका उठाया, घास का तिनका उठाया और निमंत्रित करके उसके पीछे छोड़ दिया। अब कौवा आगे आगे भागे, तीर उसके पीछे पीछे जा रहा है, तीनों लोग घूम आया, वो कौवा किसी ने शरण में नहीं लिया, स्वयं उसके माता पिता ने भी शरण में नहीं लिया। तब नारद जी मिले उन्हें और कहे कि चले जाओ प्रभु के शरण में ही, वही तुम्हारा उद्धार कर सकते हैं। कौवा बेचारा हाँफते ढाँफते आया, प्रभु के शरण में गिर गया। प्रभु ने उसे जीवनदान तो दे दिया लेकिन उसकी एक आंख चली गई, काना कौवा हो गया। अब भगवान राम का अस्त्र था, कैसे बिना लक्ष्य को भेदे कैसे आता, तो खैर एक आंख उस कौवे की चली गई। तो वही माता ने कहा कि जब एक कौवे की इस छोटी सी गलती पर भगवान राम इतने क्रोधित हो गए और जब उन्हें पता है कि रावण मुझे हर कर इस लंका में ले आया है और वो आज तक सुधी नहीं ले रहे हैं, आज तक जो है वो हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। तब हनुमान जी कहते हैं, माता आप ऐसी बातें ना करें, आप
चाहेंगी, आप कहेंगी, तो मैं अभी आपको यहां से लेके जाऊंगा और रावण को मारकर आपको लेके जाऊंगा। लेकिन प्रभु की आज्ञा ऐसी नहीं है माता, प्रभु की आज्ञा ऐसी नहीं है। विनम्रता देखिए हनुमान जी की, कहते हैं मेरे प्रभु की ऐसी आज्ञा नहीं है माता, आप कुछ दिन यहां और इंतजार करिए, कुछ दिन और इंतजार करिए और मैं निश्चित रूप से मैं उनके साथ और उनकी जो सेना है उनके साथ मैं आऊंगा और आपको हम यहां से मुक्त करा के अपने साथ ले जाएंगे। भगवान राम पे विश्वास करें, उनकी सेना बहुत बड़ी है, बहुत बलशाली लोग हैं वहां पर। माता को बड़ा संशय हुआ, क्योंकि भगवान, क्योंकि हनुमान जी बड़ा छोटा रूप लेकर वहां पे पेड़ों के पीछे छुपे थे, छोटे रूप में ही नीचे कूदे थे, तो माता को संशय हुआ। माता ने कहा उनकी सेना में तुम्हारी तरह लोग हैं क्या? हनुमान जी कहते हैं अरे सेना में तो मुझसे भी छोटे हैं माता, मुझसे भी छोटे हैं। देखिए विनम्रता, हनुमान जी ने कहा कि माता मुझसे भी छोटे हैं, लेकिन आप संशय ना करें, आप डरे नहीं। तो माता ने कहा तो फिर कैसे वीर हुआ? मोरे हृदय परम संदेह सुन कपि प्रगट कीन निज देहा। उन्होंने कहा कि जरा अपने शरीर को प्रकट करके दिखाओ कि तुम बलशाली कैसे हो, मुझे तो संशय हो रहा है तुम्हारे इस छोटे से शरीर में। तब हनुमान जी ने एक विराट रूप धारण किया, आकाश तक ऊंचे चले गए, आकाश तक छू लिया। माता ने ये रूप देखकर अंदर ही अंदर उनका डर कहीं लोप हो गया। माता ने कहा चलो अब अपने वास्तविक रूप में आ जाओ, मेरा संशय दूर हो गया, अब मुझे डर नहीं है, मुझे यकीन हो गया कि प्रभु मुझे यहां से मुक्त कराएंगे और ले जाएंगे। हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं। अब इस कहानी में इस छोटी सी घटना का प्रसंग सुनिएगा। प्रसंग यह है कि हनुमान जी ने अपना विराट रूप माता के डर को कम करने के लिए दिया, उन्हें दिखाया अपना विराट रूप ताकि माता का डर खत्म हो जाए। हमारे पास अगर शक्ति होगी हम तो डराने के लिए यूज करेंगे। एक साधारण आदमी के पास अगर शक्ति हो जाए तो पूरी दुनिया को डराता है, पूरी दुनिया को डराता है। अपराधी बन जाएगा, माफिया बन जाएगा, डॉन बन जाएगा, बाहुबली बन जाएगा। थोड़ी सी शक्ति आ जाए फिर देखिए साधारण आदमी का। तो वो दूसरों को डराने के लिए अपनी शक्ति दिखाते हैं और यहां माता के डर को कम करने के लिए इस बजरंग बली ने अपने विराट रूप के दर्शन कराए। छोटा रूप लेते ही अब हनुमान जी ने कहा माता से कि माता मैं अब आपसे आज्ञा लेना चाहता हूं और लेकिन मुझे भूख बड़ी जोर की लगी है, मैं कुछ खाना चाहता हूं, क्या इस वाटिका के कुछ फल खा लूं? तो माता ने कहा खा लो। अब हनुमान जी फल खाए। अब देखिए अब हनुमान जी आए तो दूत बन के, तो अब दुश्मन को पता ना चले ऐसा कैसे हो सकता है? तो उन्हें पता भी तो बताना था कि भाई मैं आया हूं, जरा भगवान राम की सेना के एक छोटे से योद्धा का परिचय तो जान लो। कुछ फल खाते थे, कुछ फेंकते थे, पेड़ों को उखाड़ कर फेंकने लगे। अब उस वाटिका के रखवाले बड़े परेशान, ये कौन सा बानर आ गया भाई, उसको पकड़ना चाहते थे, मारना चाहते थे। हनुमान जी ने ली और सबको पीटा, सबको रगड़ा। खबर पहुंची रावण के पास। रावण ने कहा कि बंदी बनाकर लाओ मेघनाथ, जाओ बंदी बनाकर लाओ उस बानर। मेघनाथ आते हैं वाटिका में और मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अब देखिए बजरंग बली को तो वरदान प्राप्त है कि कोई ब्रह्मास्त्र भी आपका कुछ नहीं कर सकता, लेकिन विनम्रता यहां देखिए, हनुमान जी ने जैसे ही मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र चढ़ाया अपने धनुष पर, हनुमान जी तुरंत हाथ जोड़कर उसके सामने खड़े हो गए, उस ब्रह्मास्त्र के सामने। ऐसे वीर थे कि उनके पास ये शक्ति है कि ब्रह्मास्त्र का कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वो हाथ जोड़कर खड़े हो गए क्योंकि वो ब्रह्मास्त्र की बेइज्जती नहीं करना चाहते थे और बंध गए उस ब्रह्मास्त्र में। अब यहां पर एक साधारण आदमी हो और जिसके पास ऐसी शक्ति, ऐसा वरदान प्राप्त हो कि उसका ब्रह्मास्त्र कुछ नहीं कर सकता, तो वो क्या करेगा? आओ ब्रह्मास्त्र तोड़ के फेंक दिया, ब्रह्मा का भी अपमान हो जाएगा, सृष्टि के रचयिता, इसका ध्यान रखना पड़ता है। आप कितने भी बलशाली हैं लेकिन आप उस ब्रह्मा का अपमान न करें। यह विनम्रता है हनुमान जी की।
तो हनुमान जी ने बध गए, हनुमान जी को पेश किया गया रावण के सामने, रावण के दरबार में। रावण ने कहा, ओ दुष्ट वानर, तूने हमारी वाटिका क्यों उखाड़ दी, क्यों किया ऐसा तूने? हनुमान जी ने कहा, मुझे भूख लगी थी, फल खाने थे, और ये तो मेरा नेचर है, मेरा ऐसा नेचर है कि इस कारण से मैं वानर नेचर का हूं, तो मैं फिरता भी हूं, मैं उखाड़ता भी हूं। तो रावण ने कहा कि तूने बाकी लोगों को मारा क्यों? क्या वो मुझे मार रहे थे? तो मैंने उन्हें रगड़ दिया, मैंने उन्हें निपटा दिया। हनुमान जी से पूछा गया, यहां क्यों आए हो? तो कह, मैं भगवान राम का दूत हूं, माता सीता का पता करने आया था। रावण ने कहा कि तुम बड़े हठी हो और तुम्हें बात करने की तमीज नहीं। हनुमान जी ने कहा, हे रावण, तुम जाकर भगवान राम के चरण पकड़ लो, मैं तो उन्हीं का शिष्य हूं, उन्हीं के सिखाए काम करता हूं, और तुम भी अगर भगवान राम के चरण पकड़ लोगे तो तुम्हारा भी जीवन सुखमय हो जाएगा, स्वर्ग की प्राप्ति करोगे। रावण ने कहा, तुम मुझे उपदेश दे रहे हो, एक बानर मुझे उपदेश दे रहा है, जानते हो यहां उपदेश देने का क्या हर्ष होता है, क्या इनाम मिलता है? तो हनुमान जी ने कहा, हमारे यहां तो उपदेश देने पे फल मिलता है। रावण ने कहा, यहां मृत्यु दंड मिलता है, तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। अब रावण इतना प्रतापी, इतना ज्ञानी, इतने वरदान उसके पास, उसने मृत्यु को लाकर हनुमान जी के बगल में खड़ा कर दिया और कहा, रावण देखो हनुमान, तुम्हारे बगल में मृत्यु खड़ी है। अब हनुमान जी डरे तो नहीं, हनुमान जी कहां डरने वाले। हनुमान जी कहे, हाँ मृत्यु को तो तुमने मेरे बगल में खड़ा कर दिया, लेकिन ये देख तुमको रही, तुम क्या कहना चाहते हो, ये मृत्यु मुझे क्यों देख रही है? हनुमान जी ने कहा, ये देख रही है, मैं भी इसको समझा रहा हूं कि अभी मैं रावण को समझा रहा हूं, थोड़ा रुको, अगर ये समझ गया तो ठीक है, और नहीं समझा तब तुम इसे ले जाना, अभी थोड़ा समय लगेगा। रावण ने तुरंत कहा, इस वानर को मृत्यु दंड दिया जाए। किसी ने तुरंत हनुमान से पूछा, तुम बधे हो इस ब्रह्मास्त्र में और तुम्हें डर नहीं लग रहा है और तुम रावण के सामने खड़े हो? कहा, मैं बधा हूं, मेरे प्रभु थोड़े बधे हैं। और इतने ही देर में विभीषण आते हैं और कहते हैं, हम किसी दूत को मृत्यु दंड नहीं दे सकते, मृत्यु दंड की प्रथा नहीं है कि किसी दूत को आप मृत्यु दंड दें, तो हे लंकाधीश, आप अपने आदेश को बदलें। तब लंकाधीश ने कहा, रावण ने कहा, ठीक है, इस बानर की पूंछ में आग लगा दी जाए। और पूरी लंका नगरी के सारे सैनिक मिलकर हनुमान जी की पूंछ बढ़ती जा रही है, उसमें कपड़ा लपेटते जा रहे हैं, कपड़ा लपेटते जा रहे हैं, और पूंछ में आग लगा दी। हनुमान जी ने पूरा लंका जलाया। पूरी लंका जलाने के बाद पहुंचे माता के पास और कहा, माता आप मुझे आदेश दीजिए, मैं अब प्रभु के पास वापस जा रहा हूं। तो माता ने कहा, ठीक है, शीघ्र जाइए, जाकर हमारी बारे में प्रभु को बताइए और उनसे कहिए कि वो जल्द ही लंका आए। अब हनुमान जी वापस जाते हैं, पहुंच जाते हैं समुद्र के उस पार, मिलते हैं जामवंत जी, बड़े प्रसन्न होते हैं, सब सुधि लेते हैं, सब बातें जानते हैं उनसे। प्रभु के पास जाते हैं और प्रभु से कहते हैं, प्रभु श्री राम, हनुमान सारे काम कर लौट आए हैं, हनुमान जी ने सारे काम संपन्न कर लिए। प्रभु पूछते हैं, बताओ हनुमान, तुमने सारे काम कर लिए, तुमने सारा काम पूरा कर लिया? हनुमान जी हाथ जोड़कर खड़े हैं, कहे, प्रभु मैंने कुछ नहीं किया, आप जामवंत जी से पूछ लें। प्रभु श्री राम फिर से जामवंत जी से पूछते हैं, बताइए। तो जामवंत जी फिर कहते हैं, हाँ प्रभु सारा काम कर लिया। प्रभु फिर से हनुमान जी से पूछते हैं, तो हनुमान जी कहते हैं, प्रभु मैंने कुछ नहीं किया। प्रभु बड़े खींच जाते हैं, तो क्या मैंने किया? कहा, हाँ प्रभु आपने ही किया। अब देखिए विनम्रता कि हनुमान जी कहते हैं, हाँ प्रभु आपने ही किया, मैं तो केवल साधन मात्र हूं, मैं केवल साधन मात्र हूं। तो आप अगर शक्तिशाली हैं, बलशाली हैं और अपने आप को समझते हैं कि मैंने बहुत कर्म कर लिया, तो विनम्रता सीखिए उस बलशाली सर्वशक्तिमान हनुमान जी से, जिन्हें ने सब करके भी कहा कि प्रभु मैं तो साधन मात्र हूं और जो करवाता है वो तो करवाने वाले हैं वो आप ही हैं, आप ही के कर्म को मैं साधन मात्र में पूरा कर रहा हूं।
तो ये मत समझिए कि मैं दान दे रहा हूं, मैं डोनेशन दे रहा हूं, मैं इतना पैसा इनको दान कर दिया, इतना पैसा इनको दे दिया, इसकी बखान मत करिए। ये आप नहीं कर रहे हैं, ये प्रभु आपसे करवा रहा है और आपको साधन बनाया हुआ है। विनम्रता रखिए, किसी का उपकार करिए तो कहिए मत कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, विनम्र बनिए। तो ये कहानी यहीं पे खत्म करता हूं। मुझे उम्मीद है कि विनम्रता आपकी समझ में आई होगी। धन्यवाद।